कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू, ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर, फर्स्ट इज एक्स टू द पावर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, सेकेंड इज एक्स टू द पावर एट प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एट, एंड थर्ड इज एक्स टू द पावर हंड्रेड प्लस वन बाई एक्स टू द पावर हंड्रेड। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन है। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए, ये क्वेश्चन को सोल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो है कि पुट वैल्यू मेथड। क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना है? दो है। तो अगर हम एक्स को वन ले लेते हैं तो वन प्लस वन बाई वन कितना हो जाएगा? वन प्लस वन दो हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम डायरेक्ट पीवीएम पुट वैल्यू मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें एक्स इक्वल टू वन मिल रहा है, करेक्ट। तो फर्स्ट क्या हमें फाइंड करना है? एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। तो क्या मिलेगा हमें? वन क्यूब प्लस वन अपॉन वन क्यूब, मतलब वन क्यूब इज वन एंड वन अपॉन वन क्यूब इज नथिंग बट वन ओनली। सो वन प्लस वन कितना होगा? टू। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स टू है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब भी टू होगा। सिमिलरली एक्स टू द पावर एट प्लस वन बाई एक्स टू द पावर एट कितना होगा? तो वन टू द पावर एट प्लस वन अपॉन वन टू द पावर एट, दैट इज नथिंग बट वन प्लस वन, दैट इज टू। ठीक है, अब एक्स टू द पावर हंड्रेड प्लस वन बाई एक्स टू द पावर हंड्रेड का वैल्यू बताइए। आसान है ना, कर लोगे आप खुद से, कर लोगे ना। सेम थिंग, वन टू द पावर हंड्रेड प्लस वन अपॉन वन टू द पावर हंड्रेड, क्या मिलेगा हमें? वन प्लस वन, दैट इज टू। तो कितना भी आप ले लीजिए, एक्स टू द पावर टू हंड्रेड, एक्स टू द पावर थाउजेंड प्लस वन बाई एक्स टू द पावर थाउजेंड भी आपका टू ही आएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई वैल्यू दिया हुआ है, इस तरीके का एक्स प्लस वन बाई एक्स टू है, तो x टू द पावर n प्लस वन अपॉन x टू द पावर n भी क्या होगा? टू ही होगा। ठीक है, वेयर n इज होल नंबर, होल नंबर मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जीरो विथ ऑल काउंटिंग नंबर्स। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि इसको, ये तो पुट वैल्यू मेथड से हम लोग वन निकालनी है, अगर दो की जगह कोई और वैल्यू रहेगा तब हम लोग कैसे पता करेंगे कि एक्स का क्या वैल्यू होगा? तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर वैसे रहेगा तो हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू दिया हुआ है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? एक्स। न्यूमरेटर में क्या मिलेगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू। सो फाइनली यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स। ठीक है, अब टू एक्स को इस साइड लाते हैं तो क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन प्लस वन स्क्वायर, हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है? एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अगर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो है तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पुट कर सकते हैं। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी आपको दो आंसर आएगा, यहाँ पे भी दो आंसर आएगा, यहाँ पे भी दो आंसर आएगा। मीन्स इसका वैल्यू भी टू, इसका वैल्यू भी टू, इसका वैल्यू भी टू होगा। ठीक है, आसान है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू ले लेते हैं, इसको तो हटा देते हैं, एक्स टू द पावर फोर कर देते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम लोग ले लेते हैं फाइव बाई टू। अब देखिए, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स फाइव बाई टू है तो
तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा एंड एक्स टू पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू पावर फोर क्या होगा। अब पहले पीवीएम से देखते हैं, पुट वैल्यू मेथड लगा करके देखते हैं। पुट वैल्यू मेथड लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्व टू फाइव बाई टू। फाइव बाई टू को क्या लिख सकते हैं, फाइव बाई टू को हम फोर प्लस वन बाई टू लिख सकते हैं, और फोर प्लस वन बाई टू को हम लोग फोर बाई टू प्लस वन बाई टू लिख सकते हैं। डैट इज नथिंग बट फोर बाई टू इज टू प्लस वन बाई टू। अब इसको एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर कीजिए तो क्या मिलेगा हमें, एक्स इक्व टू टू, तो एक्स इक्व टू टू मिल गया एल एच एस और आर एच एस को कंपेयर करने से। अब एक्स इक्व टू टू को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, सो टू क्यूब प्लस वन बाई टू क्यूब, टू क्यूब प्लस वन बाई टू क्यूब क्या मिलेगा, टू क्यूब इज एट प्लस वन बाई एट, दैट इज एल सी एम इज एट, एट एट सिक्सटी फोर प्लस वन, दैट इज नथिंग बट सिक्सटी फाइव बाई एट। ये हो गया हमारा आंसर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज नथिंग बट सिक्सटी फाइव बाई एट। ठीक है, अब चलिए सेकेंड वाले का वैल्यू निकालते हैं, एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, तो क्या है टू टू द पावर फोर प्लस वन बाई टू टू द पावर फोर कितना मिलेगा हमें, टू टू द पावर फोर कितना होता है सिक्सटीन प्लस वन बाई सिक्सटीन, तो सिक्सटीन इंटू सिक्सटीन कितना होता है टू फिफ्टी सिक्स, सिक्सटीन स्क्वायर इज टू फिफ्टी सिक्स, सो टू फिफ्टी सिक्स प्लस वन तो टू फिफ्टी सेवन बाई सिक्सटीन। ये हो गया हमारा एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू पावर फोर का वैल्यू। ठीक है, अब ये तो पुट वैल्यू मेथड लगा करके हम लोग कर लिए, तो यहाँ से पता चला कि x कितना है दो है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा कर करेंगे तो कैसे होगा, कीजिए आप खुद से, अगर हो जा रहा है तो बहुत अच्छा, आप का मेहनत सफल हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे, और फिर एक क्वेश्चन अपने तरफ से कुछ अपने आप से फ्रेम कीजिए और फ्रेम करके और उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपको मेथड भी याद हो जाएगा और आपका सोचने का कैपेबिलिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो x प्लस वन बाई एक्स कितना दिया हुआ है फाइव बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा x एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्व टू फाइव बाई टू। अब यहाँ से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्व टू फाइव एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए सारे को एक तरफ ले आते हैं तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्व टू जीरो, एक तरफ ला करके अरेंज कर दिए। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब कैसे सोल्व करेंगे, सो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्व टू जीरो, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आपको आता है नहीं आता है, तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे, आप जाइए ग्रिप अकेडमी चैनल पे और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ, बहुत ही आसानी से उस वीडियो को देखने के बाद आप इसको स्प्लिट करके और एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम लोग करते क्या है कि मिडिल टर्म टर्म कंटेनिंग एक्स जो होता है उसको हम लोग मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक करते हैं, जैसे ये ए और बी में हम ब्रेक कर दिए, तो ए और बी मिडिल टर्म मतलब सिर्फ वैल्यू को, माइनस फाइव को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे ए और बी में कि ए इंटू बी जो होगा वो ये ए इसके इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, छोड़िए उतना डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं डायरेक्टली अप्लाई करके ब्रेक करता हूँ, वीडियो के डिटेल में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से अभी आप जा करके और देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे ब्रेक करेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, माइनस फोर एक्स माइनस एक्स कितना होता है माइनस फाइव एक्स, और माइनस फोर इंटू माइनस वन कितना होता है प्लस फोर, टू इंटू टू कितना होता है फोर, आ गया ना, ए इंटू बी इज नथिंग बट दिस इंटू दिस। ओके, अब देखिए यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे, कॉमन क्या है टू एक्स कॉमन है, क्या मिलेगा हमें एक्स माइनस टू, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस वन कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब x माइनस टू कॉमन है तो x माइनस टू इंटू क्या बच रहा है टू एक्स माइनस वन इक्व टू जीरो, करेक्ट। अब देखिए a इंटू बी, ए इंटू बी जीरो है तो या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा या दोनों जीरो होगा, करेक्ट, तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या फिर दोनों जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो x माइनस टू जीरो है तो x इक्व टू टू मिलेगा, अगर ये जीरो होगा तो x इक्व टू कितना मिलेगा हमें वन बाई टू, दो आंसर मिल रहा है राइट। अब देखिए x अगर 2 भी लेते हैं आप तो 2 प्लस वन बाई टू फाइव बाई टू आता है, x अगर 1 बाई टू लेते हैं तो 1 बाई टू प्लस
वन अपॉन वन बाई टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो वन बाई टू प्लस टू इज नथिंग बट फाइव बाई टू। तो आंसर आप दोनों से कोई भी एक या तो दो ले लीजिए या वन बाई टू ले लीजिए, आंसर आपको दोनों केस में सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आप खुद फ्रेम करके और प्रैक्टिस कीजिए, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।